हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू सिंपल वेज। आज हम फिर से क्वेश्चन एनालाइज करेगा यूडीसी का जो रिसेंटली सीजीएल एग्जामिनेशन हुआ था। ओके, इस बार हम लोग सीरीज बी सेट बी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेगा, जिसमें हम लोग रीजनिंग वाला सेक्शन का क्वेश्चन आंसर हम लोग एनालाइज करेगा और या डिस्कस करेगा। ओके, तो इस बार का जो रीजनिंग पेपर था वहाँ पे कितना क्वेश्चन था? 25 क्वेश्चन था। ओके, काफी इजी था। ओके, काफी इजी था। ज्यादातर आदमी लोग को 24 25 तो श्योरी है। ओके, अगर थोड़ा समय दे के आप किया, दैट मींस आप जो 25 तो स्कोर करेंगे। ओके, 10% मार्क आराम से ला सकेगा। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, चलो ठीक है क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन अगर आपने ये 25 क्वेश्चन को ना, और अगर आपने 30 मिनट से ज्यादा टाइम इस पे लगाया या आपने टाइम गवा दिया 30 मिनट से ज्यादा, ओके, रीजनिंग को करने में, दैट मीन्स आप लूजर है। ओके, क्यों लूजर है बोलने से, अगर आप 30 मिनट से ज्यादा रीजनिंग के लिए ले रहे बोलने से, आप मैथ्स का ये पेपर जो आप कंप्लीट नहीं कर सकेगा, 100 क्वेश्चंस को 120 मिनट में नहीं कर सकेगा, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा समय लगता है। ओके, उसका वजह से आपको रीजनिंग को जैसे होने से भी 30 मिनट से पहले आपको खत्म करना है। पेपर बहुत सिंपल है, कुछ कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी होगा यहाँ पे। तो चलिए आज ये रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। सेक्शन बी में था रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटीज। ओके, तो सबसे फर्स्ट यहाँ में क्या क्वेश्चन आया है बोलने से, एनालॉजीज का क्वेश्चन आया है। ओके, एनालॉजीज जो क्या होता है बोलने से, कभी कभार हम लोग एनालॉजीज में डिफ्रेंशिएट भी कर सकता है, सिमिलरिटीज भी कर सकते हैं, और डिपेंड करेगा कि फर्स्ट वाला जो उसका रिलेशन के ऊपर में हम लोग डिसाइड करेगा। ओके, जैसे कि ये दोनों का जो रेशियो है, ब्रदर क्या है इज टू सिस्टर बोल। ओके, ब्रदर इज टू सिस्टर होने से डबल कोलन, दैट मीन्स डबल कोलन क्या है, डबल कोलन माने इक्वल। ओके, एक चीज देखो, जो सिंगल कोलन होता है ना, सिंगल कोलन माने वो डिवाइड को बोलते हैं। ओके, अगर डबल कोलन होगा, डबल कोलन जो क्या है बोलने से, वो जो इक्वल। ओके, हमेशा याद रखो, दैट मीन्स अगर ब्रदर इज टू सिस्टर बोलने से सोन क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ में क्या होगा, डटर होगा, है कि नहीं? अगर भाई बहन है तो बेटा जो क्या बन जाएगा, बेटी हो जाएगा। ओके, ऐसा होता है एनालॉजिस, ये डटर होगा। इसके बाद कार्डियोलॉजी, हर्ट, बोटानी क्या होगा, कार्डियोलॉजी माने क्या है, कार्डियोलॉजी माने जो स्टडी ऑफ हार्ट को बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोटानी माने स्टडी ऑफ क्या है, लान। ओके, इसके बाद स्नेक, स्नेक का साउंड कैसा होता है, हीस होता है कि नहीं? तो बेल का साउंड कैसा होगा, रोट नहीं होगा, है कि नहीं? ट्रम्पेट भी नहीं होगा, लायन का होता है, एलिफेंट का होता है, स्प्लैश जो कुछ पानी लोग छिटकाता है ना, स्प्लैश। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो क्या होगा बोलने से, चाइम होगा। ओके, ये तीन सिंपल ही था, ये बेसिक इंग्लिश है। इसके बाद यहाँ पे और एक है, ओशन क्या होगा, वाटर। तो ज्यादातर आदमी लोग कुछ कुछ गलती किया, जैसे कि देखो ओशन वाटर है तो ग्लेशियर वो लोग क्या लिखा है, माउंटेन लिखा है। ओके, तो कुछ कुछ लोग का ऐसा सोच भी हो सकता है कि हम लोग को ओशन में पानी मिलता है, ओके, तो ग्लेशियर कहाँ में मिलता है, माउंटेन में मिलता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। बट वो लोग का लॉजिक क्या था, ओशन जो पानी से बनता है तो ग्लेशियर जो कैसे बनता है बोलने से, स्नो नहीं तो आइस से बनता है। ओके, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 30 जो, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, रवि इज 17 फ्रॉम फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द रो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर डियर इन द क्लास। क्या बोला है, एक क्लास में स्टूडेंट लोग का रो है बोला। ओके, एक रो है बोला, ऐसा एक रो है। ओके, वहां में स्टूडेंट लोग ऐसा बैठा हुआ है, ढेर सारा स्टूडेंट बैठा हुआ है, जिसमें रवि बोलने वाला, जो रवि जो क्या है बोला है, वो 17 नंबर पे है बोला। ओके, 17 नंबर पे, इस तरफ से आने से भी 17 और इस तरफ से काउंट करने से भी वो 17 नंबर पे है बोला। ओके, तो टोटल स्टूडेंट कितना है बोल के क्लास में पूछे। ओके, इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस एक्स माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। ओके, हमेशा रखो ऐसा फॉर्मूला होता है, अगर दोनों तरफ से सेम नंबर पे बोलने से, इसे कि 17 हम लोग एक्स को 17 मान रहे हैं, 17 प्लस 17 क्या हो जाएगा, 34, 34 माइनस वन क्या होगा, 33 होगा, ऐसा होता है। ओके, आंसर ये है। अदरवाइज ये फॉर्मूला आपको नहीं आता है बोलने से भी, आप एक चीज कर सकते हैं, इस तरफ से काउंट करो। ओके,
इस तरफ से काउंट करना शुरू करो, आप यहाँ में 33 लिख के इस तरफ से काउंट करोगे, काउंट करने से ठीक 17 नंबर जो एग्जैक्ट पोजीशन में आएगा। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ज्यादातर आदमी लोग ने 34 बोल के लिखा, क्योंकि इस तरफ से भी 1 से 17 होगा, अगर 17 डबल करेगा तो 34 से इस तरफ आएगा, ऐसे नहीं होता है। अगर आप 34 से शुरू करके काउंट करेगा ना, वो रवि जो 18 नंबर पे हो जाएगा। ओके, इसलिए 33 से काउंट करने से ही वो 17 रैंक पे होगा। ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट है, ये फॉर्मूला को आप ऐड कर लो। यहाँ पे 31 क्वेश्चन जो क्या बोला है, इन अ क्रिकेट सेशन, क्रिकेट सीजन, नो सेशन, ओके सीजन, इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया। ओके, ये थोड़ा सा वो लिखना पड़ेगा हम लोग को। इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया ट्वाइस, वेस्ट इंडीज डिफीटेड इंडिया ट्वाइस, ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड वेस्ट इंडीज ट्वाइस, इंडिया डिफीटेड न्यूजीलैंड ट्वाइस एंड वेस्ट इंडीज डिफीटेड न्यूजीलैंड ट्वाइस, विच कंट्री हैज लॉस मोर नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ में क्या पूछा है, कौन सा कंट्री जो सबसे ज्यादा हारा है बोला है। ओके, सबसे फर्स्ट में क्या बोला है, इंडिया जो क्या किया है, इंडिया ने किसको हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, कितना बार, 2 टाइम्स हराया। ओके, इसके बाद वेस्ट इंडीज ने इंडिया को कितना बार हराया, हराया बोला, वेस्ट इंडीज ने इंडिया को 2 बार हराया। ओके, इसको होगा ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड वेस्ट इंडीज ट्वाइस, फिर से ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, वेस्ट इंडीज को फिर 2 बार हराया। ओके, इसके बाद इंडिया डिफीटेड न्यूजीलैंड ट्वाइस, इंडिया ने फिर से न्यूजीलैंड को क्या किया है, 2 बार हराया। ओके, एंड वेस्ट इंडीज डिफीटेड, फिर से वेस्ट इंडीज ने क्या किया है, न्यूजीलैंड को फिर 2 बार हराया। समझ में आ गया, विच कंट्री हैज लॉस मोर नंबर ऑफ टाइम्स। अच्छा यहाँ में देखो, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कितना बार हारा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 2 बार हारा, इंडिया कितना बार हारा, इंडिया इंडिया 2 बार हारा। ओके, यहाँ पे हारा है, तो वेस्ट इंडीज कितना बार हारा, वेस्ट इंडीज भी 2 बार हारा, ऑस्ट्रेलिया का हाथ में हारा है। इसके बाद यहाँ पे एक कंट्री है न्यूजीलैंड, वो कितना बार हारा, यहाँ में 2 बार, यहाँ में 2 बार, 4 बार हार गया, है कि नहीं। तो आंसर सबसे ज्यादा कौन हारा है, न्यूजीलैंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, रोशन इज टॉलर देन हार्दिक, क्या बोला है, रोशन जो किससे बड़ा है बोला है, हार्दिक से बड़ा है बोला, हु इज शॉर्टर देन सुशील बोला, फिर हार्दिक जो किससे छोटा है बोला है, सुशील से छोटा है। दैट मीन्स यहाँ में हम लोग क्या लिखेगा, सुशील लिखेंगे, उससे कौन बड़ा है, हार्दिक से बड़ा है। ओके, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से। निजा इज टॉलर देन हैरी बट शॉर्टर देन हार्दिक, क्या बोला है, निजा जो किससे बड़ा है बोला है, 1 मिनट, ओके, निजा जो किससे लंबा है बोला है, हैरी से लंबा है बोला। ओके, किससे लंबा है, हैरी से लंबा है बोला, बट शॉर्टर देन हार्दिक, हार्दिक से लेकिन वो जो क्या है, छोटा है। ओके, ऐसा बोला दो स्टेटमेंट में। ओके, सुशील इज शॉर्टर देन रोशन, और सुशील जो क्या है बोला, ये वही सेम स्टेटमेंट को दे दिया, शॉर्टर देन, वो हम लोग लिख चुका है। ओके, हु इज टॉलेस्ट बोला, यहाँ में सबसे लंबा कौन है, तो अरेंज करते हैं, रोशन सबसे लंबा है, इसके बाद सुशील, इसके बाद ये हार्दिक, वही सेम चीज आ गया है कि नहीं, हार्दिक। ओके, एच डी लिखते हैं हार्दिक, इसके बाद नीजा, इसके बाद सबसे छोटा कौन, हैरी। ओके, ऐसा अरेंज कर दिया। ओके, यहाँ में हु इज द टॉलेस्ट बोला, सबसे टॉलेस्ट कौन है, हु इज द टॉलेस्ट, है कि नहीं, कौन तोले से, यहाँ में रोशन है ऑब्वियसली, है कि नहीं, सबसे लंबा। ओके, ऐसे करके हम लोग अरेंज करते हैं। हम लोग क्या करना है, स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हम लोग को ये बनाना है, इसके बाद स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ये बना के फिर देखना है कौन सा स्टेटमेंट में क्या है। तो हम लोग ऐसे स्टेटमेंट बनाने के बाद हम लोग को आसान हो जाता है अरेंज करके, जो सबसे तोलेस होगा, क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट पूछने से हैरी होना था, अभी सबसे तोलेस बोला तो रोशन। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये ऐसा वाला क्वेश्चन भी आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अल्फाबेट का क्वेश्चंस आया है। ओके, और अल्फाबेट का क्वेश्चंस लोग आते रहते हैं, यहाँ में भी आ गया अल्फाबेट, यहाँ में कुछ कुछ रैंडम अल्फाबेट दिया हुआ है, और हम लोग को ये सीरीज में जो फिलिंग द ब्लैंक है ना, उसमें हम लोग को अप्रोप्रिएट अल्फाबेट चूज करना है, कौन सा वाला आएगा। ओके, यहाँ पे देखो क्या दिया है, SCD,
टी ई एफ, ओके यू जी, ओके यू जी एच, और इसके बाद क्या है, ब्लैंक, ओके चूज करना है। ओके यहाँ पे देखो एस सी एफ का बीच में कितना आया, ये टी था सॉरी, टी कितना है, ए बी सी डी काउंट करो, एस के बाद क्या होता है, टी होता है कि नहीं, दैट मीन्स प्लस वन एक बार रहे। इसके बाद टी से यू का बीच में कितना है, वो भी एक ही बार रहे, ओके दैट मीन्स यू का यहाँ में भी क्या बढ़ेगा, एक ही बढ़ेगा। यू के बाद क्या होता है, प्लस वन करने से यू वी होता है, ओके यहाँ में कौन सा वाला वी है, आंसर डायरेक्ट आ गया। ओके आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट वही होगा क्योंकि वी के बाद हम लोग फिर से प्लस वन करेगा तो क्या होगा, वी डब्ल्यू हो जाएगा, दैट मीन्स यही सही है। ओके ये वाला, इसलिए इसमें टाइम बच जाएगा, आपको क्या जरूरत है यू आई एम सी को चेक करने के लिए। ओके इसके बाद देखो यार, नेक्स्ट वाला को देखो, ई एल एफ ए, ओके इसके बाद जी एल एच ए, इसके बाद आई एल जे ए, ब्लैंक एम एल एन ए, ऐसा दिया हुआ है। ओके एक चीज देखो, पीछे में सबका क्या है, पीछे में सबका ए है, ओके पीछे में सब सेम ए है, तो यहाँ में भी आंसर में भी सब ए ए है पीछे में, ओके दैट मीन्स सेम रखा हुआ है। ओके तो चलो पीछे से हम लोग चेक नहीं कर सकेगा क्योंकि पीछे में सब सेम है तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, आगे से चेक करते हैं। ओके ये दोनों के बीच में कितना है, ई से लेके जी तक प्लस टू, इसके बाद जी से लेके आई तक कितना है, जी एच आई प्लस टू है कि नहीं, आई से प्लस टू क्या करेगा तो क्या होगा, आई जे के है कि नहीं, यहाँ पे के, ओके प्लस टू करेगा तो के कौन सा वाला है यहाँ पे, ओके इसको कैंसिल कर दो, अभी ये डी नहीं तो बी होगा एक आंसर। ओके तो चेक करते हैं, बीच में एल है हमको चेक नहीं करना है, दोनों में ही एल है, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, एल को भी छोड़, अभी एल एम होगा ना, एल होगा वो है मेन बात। ओके उसको चेक करना है, डायरेक्ट एफ से आता है इस तरफ से, एफ से एच, एफ से एच के बीच में कितना है, एफ जी एच प्लस टू, एच से जे कितना है, एच आई जे प्लस टू, ओके तो जे से फिर प्लस टू करो, या में एल ही होगा, जे से प्लस टू होने से क्या होगा, जे प्लस प्लस टू कितना होगा, हाँ जे प्लस के एल हो जाएगा है कि नहीं, प्लस टू करने से एल हो जाएगा। ओके लास्ट में तो सबका ए ही है, ओके ऐसे होके या हमको आंसर मिल गया, कौन सा वाला, ये वाला ऑप्शन डी। ओके तो हम लोग को थोड़ा सा अटेंटिव होना है, अब अगर रोज सॉल्व करते रहेगा तो आप ऐसे ही पकड़ लेगा, पटक से ही पकड़ लेगा कौन सा वाला आंसर होगा, क्योंकि देखो या में एक चीज देखो, या में एक चीज देखो, हमको पता है सबसे फर्स्ट वर्ड जो क्या होगा, यहाँ पे प्लस टू करेगा तो आई के बाद के ही होगा है कि नहीं, तो ये दोनों को चेक क्यों करना है हमको, तो उसको चेक करना है ये दोनों को ही होगा आंसर, ये दोनों में से एक होगा, तो बीच में तो एल है, दोनों में ही एल है, हमको कुछ मतलब नहीं है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया, एल को छोड़ दिया, और जो एफ है ना वहीं से शुरू किया, यहाँ में एफ, एफ के बाद एच क्या था, प्लस टू, एच के बाद जे क्या है, प्लस टू, तो जे के बाद फिर प्लस टू करेगा तो क्या होगा, एल होगा है कि नहीं, इसलिए आंसर ये है। ओके 35 का देखो, 35 का देखो, यहाँ में क्या है, फिर से सी से लेके ई तक कितना होगा, सी से ई तक प्लस टू, ओके ई से लेके जी कितना है, फिर से प्लस टू, तो जी से प्लस टू होने से कितना होगा, आई हो जाएगा है कि नहीं, दैट मीन्स ये होगा नहीं तो ये होगा, ये दोनों में से एक आंसर होगा, इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, जी नहीं होगा, ओके आई, चलो इसका बाद आई एस एस, और यहाँ में टी टी है, ओके दैट मीन्स यहाँ में देखो उसमें भी एम एम ओ जी जी यू यू है, दैट मीन्स एक ही होगा, कौन सा वाला होगा पता नहीं, एम और ओ के बीच में कितना है, एम एन ओ होते हैं कि नहीं, दैट मीन्स प्लस टू है। ओके इसका बाद ओ और क्यू के बीच में ओ पी क्यू है कि नहीं, फिर से प्लस टू है, तो क्यू क्यू क्या हो, पी क्यू आर एस है कि नहीं, दैट मीन्स फिर से प्लस टू होगा, एस होगा है कि नहीं, अगर क्यू क्यू है तो एस एस होगा, इसे आंसर ये। ओके ऐसे करके ही सिंपल से चेक कर देना आंसर, ओके ज़्यादा उसमें टाइम नहीं गंवाना है। नेक्स्ट इधर देखो, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन ए लॉजिकल एंड मीनिंग
meaningful order and choose the correct order from the alternative given below them. ओके हम लोग को कुछ लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में इसको रखना है बोला. ओके कोई भी एक अल्टरनेटिव ऑर्डर में. ओके रीजनिंग में कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं होते, हम बता रहे हैं रीजनिंग जो एक ऐसा होता है ना, इसलिए वो रीजनिंग है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है. नहीं तो मैथ्स बोलता, इंग्लिश बोलता, साइंस बोलता है कि नहीं. लेकिन रीजनिंग क्यों दिया? रीजनिंग का कोई स्पेसिफिक कोई फॉर्मूला नहीं होते, कोई रूल नहीं होते. आप जैसे भी सॉल्व करो, लेकिन आपको एक सीक्वेंस वे में सॉल्व करना है, एक सीरीज वे में सॉल्व करना है. ओके यहाँ में भी देखो लॉजिकल और मीनिंगफुल बोला, दैट मीन्स आपको लॉजिक क्या है, ये चीज को देख के आपको लॉजिक क्या है. ओके इसलिए रीजनिंग में कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है. वो स्टूडेंट्स लोग पूछते रहते हैं कि फॉर्मूला कैसा होगा, रीजनिंग में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, वहां में आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है. ओके यहाँ पे देखो इन्फेंट ओल्ड एज एडल्ट एडोलेसेंट चाइल्ड, इसको अरेंज करो बोल रहा, रीअरेंज करो लॉजिकल और मीनिंगफुल में. ओके तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेगा, छोटा से बड़ा, बड़ा करेगा. ओके नहीं तो बड़ा से छोटा करते हैं. ओके यहाँ पे देखो सबसे छोटा इसमें से ये इंसान के एज का बात कर रहे हो. ओके इंसान का एज या इंसान का पीरियड ना, कि छोटा से लेके बड़ा होता है तो एक एक पार्ट होता है. ओके सबसे फर्स्ट क्या होता है, इन्फेंट. इन्फेंट मतलब जो जन्म हुआ ही है उसको हम लोग इन्फेंट बोलते हैं. ओके उसको एक नंबर दे दो. ओके इसके बाद इन्फेंट से थोड़ा बड़ा को हम लोग चाइल्ड बोलते हैं. ओके चाइल्ड से थोड़ा बड़ा माने समझ लो कि उसका 10 to 18, 14, 15 ईयर्स ना, उसको हम लोग एडोलेसन बोलते हैं. ओके थोड़ा सा बड़ा हो गया. इसके बाद एडोलेसन के बाद एडल हो जाते हैं, जो शादी वादी करते हैं ना उसको एडल बोलते हैं. ओल्ड एज तो हम लोग को पता है. ओके इसके हिसाब से हमने एक नंबर दे दिया. ओके नंबर दे दिया. तो एक चीज़ देखो यहाँ में सबसे छोटा, छोटा से बड़ा करते हैं सबसे फर्स्ट. ओके 1 5 4 1 5 4 3 2 है कि नहीं, ये वाला सीक्वेंस मिल रहा है कि नहीं. ओके ये बड़ा वाला सीक्वेंस जो मिल रहा है, मैंने छोटा से एक असेंडिंग ऑर्डर में बोल सकते हैं. ओके असेंडिंग ऑर्डर में ये चीज़ जो मिल रहा है, हम लोग फिर बड़ा से छोटा चेक करते हैं. जैसे कि देखो सबसे बुरा क्या है, 5 है 2. ओके 2 3 4 5 1 ये भी हो सकता था, सी वाला भी. ओके दैट मीन्स देखो ये 2 2 कौन सा है, 2 है इसके बाद ये 3 है बड़ा से ना, इसके बाद यहाँ में 3 है, इसके बाद 5 1. ओके हम लोग ने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर पे नंबर 1 को चूज किया और जो नंबर सी को चूज किया है वो डिसेंडिंग ऑर्डर पे. ओके डिसेंडिंग ऑर्डर पे जिन्होंने बड़ा से लेके छोटा में चूज किया वो भी सही है, लेकिन पता नहीं कमीशन कौन सा वाला आंसर को वो लोग चूज करेगा. मोस्ट प्रोबेबली 1 ही चूज करना चाहिए, छोटा से बड़ा ही होना चाहिए. ओके लॉजिकल सीक्वेंस मीनिंगफुल वे में ना, क्योंकि कोई भी उम्र तो ओल्ड एज से छोटा नहीं होता है, तो उम्र लोग तो छोटा से बड़ा होते हैं कि नहीं. तो यहाँ में लॉजिक लगाओ बोल रहे. ओके मीनिंगफुल मीनिंग भी बनना चाहिए, बड़ा से छोटा कभी नहीं होता, छोटा से बड़ा होता है. ओके इसलिए 1 ही होना चाहिए. यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया है, यहाँ में देखो एक चीज हम लोग को यहाँ में क्या जानना है बोलने से, क्वाड्रिलेटरल मने क्या है, ये साइड्स का बात कर रहे हैं. ओके क्वाड्रिलेटरल मने 4 साइड का बात कर रहे हैं. हेप्टागोन मने क्या है, हेप्टागोन मने 7 साइड. पेंटागोन मने 5 साइड का बात कर रहे हैं. हेक्सा डेकागोन, ओके हेक्सा मने 6 को बोलता है, डेकागोन मने 10, दैट मीन्स 16 का बात कर रहे हैं. समझ में आ रहा है, वो 16 का बात कर रहे हैं. दो डेकागोन, दो मने 2 और डेकागोन मने 10, दैट मीन्स वो 12 का बात कर रहे हैं. ओके उसको सिक्वेंस वे में अरेंज करते हैं, छोटा से बड़ा में अरेंज करते हैं. ओके हम लोग क्या करेगा, सबसे यहाँ में छोटा क्या है, ये 4 साइड ठीक ही नहीं, 4 साइड जो क्या है 1 है. ओके इसके बाद उससे थोड़ा बड़ा क्या है, पेंटागोन, पेंटागोन क्या है 3 है. इसके बाद उससे थोड़ा बड़ा क्या है 7, हेप्टागोन 2 है फिर से ठीक ही नहीं, कहा में आया है 1, हाँ 2. ओके इसके बाद 4
नहीं, कहाँ में पहुंचे हम लोग? ये क्वाड्रिलेटरल, हेप्टागोन, पेंटागोन. ओके, 4, 3, 2, 5, और सबसे बड़ा क्या होगा? 4. ओके, 1, 3, 2, 5, 4. यहाँ में है क्या 1, 3, 2, 5, 4? यहाँ में कैसा लिखा है वो लोग ने? आंसर यहाँ में 1, 5 है. 1, 5 ये तो नहीं होगा. ये यहाँ में एक है 1, 1, 3. पेंटागन मीन्स 5 साइड, हेप्टागन मीन्स 7 साइड. ये आंसर कैसा, ये नंबर 2 कैसे आंसर होगा? ओके, ये नहीं होगा. ओके, ये भी गलत. ओके, ये हम लोग ने ये वाला कोई किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है, छोटा से बड़ा मैच नहीं हो रहा है. तो हम लोग क्या करेगा, लॉजिकल वे में हम लोग फिर छोटा से बड़ा करते हैं. ओके, हम लोग छोटा से बड़ा, इस तरफ कोई है क्या 4 से लेके पीछे जाने वाला? 4, 5, 2, 3, 1. क्या किसके साथ मैच हो रहा है? ये वाला देखो, इस बार क्या किया, बड़ा से छोटा किया. ओके, मीन्स लॉजिकल वे. ओके, अगर हम लोग 3, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 1, 3, 2, 5, 4, ये जो क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था, हम लोग के पास ऑप्शन है नहीं ऐसा. ओके, ये वाला उल्टा कर दिया है कि नहीं ये जगह में, तो हम लोग क्या करेगा, पीछे से भेजते हैं. ओके, पीछे से भेजते हैं. पीछे से कौन सा वाला होगा? ये वाला. ओके, समझ में आ गया. तो इसके लिए हम लोग को क्या नॉलेज होना है, ये डोडे डेकागोन क्या को बोलते हैं, हेक्सागोन क्या क्या को बोलते हैं, पेंटागोन, क्वाड्रिलेटरल, ओक्टागोन, नोनागोन, वो सब क्या है, वो सब को हम लोग को जानना है. ओके, इसका मतलब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 38 पे, इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज सिस्टर ऑफ सी, सी इज द फादर ऑफ डी, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, बोल के बोला. ओके, तो देखो यहाँ पे, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए जो लड़का है, लड़का को हम बॉक्स में रखेगा. ओके, ए इज ब्रदर ऑफ बी, अभी तक हमको पता नहीं बी लड़का है ना लड़की. बी इज द सिस्टर ऑफ सी, दैट मीन्स वो सिस्टर है, हम गोल कर देगा. ओके, सिस्टर ऑफ बी इज द सिस्टर ऑफ सी. ओके, सी हमको पता नहीं है अभी लड़का है ना. सी इज द फादर ऑफ डी, वो लड़का है बोला, और किसका पिताजी है बोला, वो जो किसका, उसका बच्चा का नाम क्या है, डी है बोला. ओके ओके, सी इज द फादर ऑफ डी, हमको पता नहीं वो लड़का है ना लड़की है. हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, ओके, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए मीन्स वो डी जो ए के लिए क्या है बोल के बोला. ओके, ऐसा पूछ रहा है. ए क्या था, ए जो उसका भाई था, लेकिन नहीं बी का भाई था. ओके, बी कौन था, बी जो सी के लिए सिस्टर था, और सी जो क्या था, सी जो बी का पिताजी था, फादर था. ओके, दैट मीन्स ऐसा होगा, ये लोग जो पूरा एक एक जनरेशन है, ये दूसरा जनरेशन है. ओके, दूसरा जनरेशन में डी है, दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, उसका उसका ब्रदर बन जाएगा, है कि नहीं, ब्रो बन जाएगा, उसका ब्रदर बन जाएगा सी का, है कि नहीं. दैट मीन्स क्या होगा, ये जो उसका चाचा रहेगा, और ए के लिए ये जो क्या होगा, उसका बेटी होगा, जो कि हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, नेफ्यू बोलते हैं. ओके, अपना भाई का, अपना भैया या अपना भाई का जो बेटी होता है उसको हम लोग नेफ्यू बोलते हैं. समझ में आ गया. नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स सो दैट लेटर अरेंज अकॉर्डिंगली फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड. यहाँ से हमको एक मीनिंगफुल वर्ड निकालना है बोले. ओके, यानी ORTUDPC. ओके, उससे हम लोग को मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है बोला. ओके, अब 2 को भूल जाओ, नंबर ए को भूल जाओ, वो होगा ही नहीं. ओके, वो होगा ही नहीं, क्योंकि देखो यहाँ में क्यों नहीं होगा बोलने से, RTO ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं. ओके, RTOU ऐसा कोई वर्ड होगा ही नहीं, और ऊपर से अकेला भी है. मोस्ट प्रोबेबली चांसेस क्या होगा कि यहाँ में इस हम लोग ना ऑप्शन देख के भी आंसर चूज कर सकते हैं. ओके, गेस कर सकते हैं. यहाँ में देखो 366 है. ओके, ये 621, देखो ये 671, उसको भी आप कैंसिल कर दो. ओके, ये भी नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों में से होगा. 621, 621, 5454 तक सेम है, लास्ट का 2 डिजिट जो क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उसी में ही चेक करते हैं, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों में से एक होना चाहिए. 6 मने क्या है, 6 मने P, 2 मने क्या है, 2 मने R. ओके, 1 मने क्या है, 1 मने O. इसके बाद 5 मने D. इसके बाद 4 मने क्या है, 4 मने U. इसके बाद यहाँ में 7 और 3 या 3, 7. अगर हम 3, 3, 7 लिखते हैं, 3 क्या होगा, D,
और सेवन क्या होगा सी, ऐसा कोई वर्ड होता है क्या? नहीं होता है, लेकिन ये वाला वो 7 3 करेगा तो ये सी बनाएगा, ये टी बनाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये प्रोडक्ट बन जाएगा, इसलिए आंसर है ये है। ओके, इसे करके चूज करना है। हम लोग कैंसिल कर सकते, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं उसको, पता है एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि जो सिमिलरिटी होते हैं ना उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं आंसर आने का। ओके, नंबर 40 देखते हैं। इमेजिन यू हैव प्लान टू प्रिपेयर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मेशन। ओके, आप जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देगा सोच रहा है, और आपको कैसे करके रेडी करेगा बोल रहे, खुद को कैसे करके प्रिपेयर करेगा अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो कि दिसंबर में क्या है, दिसंबर में एपीसीएस एग्जामिनेशन होगा। ओके, एपीसीएस एग्जामिनेशन होगा दिसंबर में, तो अगर वो एग्जाम को आप प्रिपेयर करना है सोच रहे, ओके, उसको हम आप सोच रहे कि उसको बैठ के हम प्रिपेयर करेगा, तो आप कैसे करेगा? वो जो सीक्वेंस है यहाँ में हमको सेलेक्ट करना है। ओके, क्या करेगा यहाँ में देखो, शेड्यूलिंग टाइम टेबल एलोकेशन ऑफ स्टडी आवर, कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर स्टडी नोट्स बुक्स टू रिफर वेबसाइट टू लर्न, प्रैक्टिसिंग एंड रिवाइजिंग अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट, रिसर्च ऑन द एग्जाम पैटर्न सब्जेक्ट टू स्टडी मोड ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, यहाँ में देखो सबसे फर्स्ट क्या लगता है बोलने से, यहाँ में देखो आप ऑप्शन को भी देख के आप कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ में देखो ये 3 है, ये 2 है, और 4 दो 2 है। ओके, दैट मीन्स मोस्ट प्रोबेबली 4 का आंसर होना चाहिए। नंबर 4 का सेंटेंस को पढ़ो, रिसर्च ऑन द एग्जाम पैटर्न सब्जेक्ट टू स्टडी मोड ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आप ये एपीसीएस को देगा सोच रहे हैं दिसंबर में, देन मीन सबसे फर्स्ट आपको क्या 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 जानना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट कौन सा समय में एग्जाम होगा, ये दिसंबर में होगा, देट मीन्स आपके पास 3 महीना है। ओके, है कि नहीं? 3 महीना है, वो सबसे फर्स्ट। सेकेंड, आपको एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होता है ना, एपीसीएस में कैसे एग्जाम होता है, प्रीलिम्स होगा, ओके, सीसेट होगा, है कि नहीं? उसका बारे में आपको जानकारी रखना पड़ेगा, कौन सा पैटर्न होगा, कैसा होगा। ओके, इसके बाद सब्जेक्ट टू स्टडी, और कौन कौन सा सब्जेक्ट जो आएगा वो सबको पहले जानना पड़ेगा, है कि नहीं? उसके बाद देखो, अभी 4 तो सही है, इसके बाद 2 नहीं तो 1। 1 में क्या लिखा है, शेड्यूलिंग टाइम टेबल एलोकेशन ऑफ स्टडी आवर, कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर स्टडी नोट्स बुक्स टू रिफर लर्न वेबसाइट टू लर्न। ओके, यहाँ में देखो आप टाइम टेबल को पहले अरेंज करेगा ना, आप पहले बुक को नोट्स को कलेक्ट करेगा, पहले आप नोट्स को कलेक्ट करेगा ना, आप बिना नोट्स का टाइम टेबल अरेंज कर दिया, सिर्फ टेबल में बैठते रहेगा आप, ऐसे तो नहीं होगा, है कि नहीं? आप पहले स्टडी मटेरियल को तो कलेक्ट करेगा ना, वो तो कॉमन सेंस है। आप स्टडी मटेरियल को, एग्जाम का डेट सबसे पहले आपको पता चल गया, नोटिफिकेशन निकला। ओके, नोटिफिकेशन निकलने के बाद आपने पैटर्न सेटर्न को देखा, सब्जेक्ट क्या क्या आएगा देखा, तो सब्जेक्ट का आपने क्या किया, वेबसाइट नोटबुक लोग को आपने रेडी किया। उसको रेडी करने के बाद आप क्या करेगा, ये वाला करेगा, टाइम एलोकेशन स्टडी टाइम टेबल लोग को आप मेंटेन करके रखेगा। हम सुबह 6 बजे को, 4 बजे को जगेगा, रात को जल्दी सोएगा, ऐसा टाइम टेबल आप अरेंज करेगा। इसके बाद लास्ट में रिसर्च ऑन द एग्जाम, नहीं, प्रैक्टिसिंग रिवाइजिंग अटेम्प्टिंग, अगर आप ये सब सब कुछ हो गया, आप पढ़ाई करना शुरू हो गया, तभी तो आप वो सब्जेक्ट लोग में क्या कर सकेगा, आप टेस्ट मॉक टेस्ट दे सकेगा। ओके, आप जो क्या करेगा, रिविजन कर सकेगा वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, है कि नहीं? ऐसे होता है, ऐसे होगा, करेक्ट क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर। ओके, कौन सा वाला रहेगा सबसे सही, तब तो ये वाला सही रहेगा। ओके, ऐसे होके हम लोग अरेंज करना है। देखो यहाँ में 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हैविंग सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का बात कर रहे हैं, मीन्स खुद को हम लोग कैसा एक डिसिप्लिन वे में मेंटेन करके रख सकते हैं। देखो यहाँ में, सेविंग योर अलाउंस फॉर ए मंथ सो दैट यू हैव इनफ टू बाय समथिंग यू रियली वांट, स्पेंडिंग योर मनी एज सुन एज यू गेट इट, ईटिंग, ये तो होगा नहीं। ओके, पैसा मिलते ही आप खर्चा कर देगा, वो गलत बात है। ईटिंग ए होल बॉक्स ऑफ कैंडी ऑल एट वंस, ऐसा तो, ये तो और भी गलत बात है, आप पूरा कैंडी का बॉक्स को एक बार में खा देगा, वो तो खुद के हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। ओके, और कोई किसी को कोई देखेगा तो भी वो, कोई पर्टिकुलर इथिक्स नहीं होता है क्या, एक मॉरल साइंस नहीं है उसमें। ओके,
लुकिंग फॉर ए वे टू अवॉइड डूइंग योर चॉइसेस। आप समझ लो, लुकिंग फॉर ए वे टू अवॉइड डूइंग योर चॉइसेस, ऐसा बोल रहे कि आपका कोई चॉइस है, समझ लो कि आपको ऑफिसर बनना है, नहीं तो आपका कुछ काम है, ओके, समझ लो आपको ऑफिसर बनना है, आपको ऑफिसर बनना है, लेकिन आप पढ़ाई कर, जो ऑफिसर कैसे बनता है, पढ़ाई करके बनता है कि नहीं, और वही पढ़ाई को आप जो पढ़ाई से साइड होते जा रहे हैं, आप जो किसी और पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि नहीं, मोबाइल पे गेम खेलने का, नहीं तो बाहर पे दोस्तों के साथ घूमने का, मोबाइल में बात करने का, है कि नहीं, तब तो आप कैसे अपना वो जो एम है, एम्बिशन है, उसको कैसे अचीव करेगा, है कि नहीं, तो गलत बात है, अवॉइड कर रहे हैं कि नहीं, जो आपका चॉइस था, है कि नहीं। यहाँ भी देखो नंबर वन में ये मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है, सेविंग योर अलाउंस फॉर ए मंथ, जो आपका जो पॉकेट मनी मिलता है, अगर आप जो अनएम्प्लॉय है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका जो सैलरी मिल रहा है, ओके, उसमें से कुछ बचाना, ओके, कुछ बचा के, और बाद में वो क्यों बचा रहा है बोलने से, आपको कुछ खरीदना है बाद में जाके, जो जो कि आपको असली में चाहिए, जरूरत है, समझ समझ रहे हैं ना, समझ लो कि आपको कुछ लैपटॉप खरीदना है, ओके, लैपटॉप खरीदना है जो कि आपको बहुत जरूरी है, तो पैसा को हर महीना थोड़ा थोड़ा करके बचा करके 3 4 महीना का बाद आप लैपटॉप ले लेगा, वो एक क्या होता है, सेल्फ डिसिप्लिन है, ओके, खुद को रुका रहे ना, वो खर्चा कर सकता है, ओके, ये सब अनवांटेड अनवांटेड चीज में आप खर्चा कर सकता है, इवन दो आपने खर्चा नहीं किया, और आपने क्या किया, सेल्फ डिसिप्लिन उसको मेंटेन करके आपने लैपटॉप को खरीद लिया, ओके, ऐसा कुछ लॉजिकल रीजनिंग्स भी आता है। इसके बाद 42 देखो, चूज द करेक्ट फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव विच विल एग्जैक्टली फिट इन टू द गिवन फिगर टू ए रेक्टेंगल, ओके, टू मेक इट रेक्टेंगल गोल। रेक्टेंगल बनाने के लिए कौन सा वाला एग्जैक्टली फिगर होगा, यहाँ पे देखो ये वाला कौन सा वाला का दिखेगा, रेक्टेंगल बनाया, ये सब तो ये होगा ही नहीं, इतना सारा डाट है, या में देखो कितना स्पेस है, 1 2 है कि नहीं, 1 2 है, या में भी 1 2 है, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा, ओके, ये नहीं घुसेगा, क्योंकि जो इशारा दिखा रहे हैं ना, इस तरफ दिखा रहे हैं, ये जो तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ओके, यहाँ पे देखो ये चीज को देखो, यही चीज को बना बना के देखो आप, ओके, ऐसे करके रेक्टेंगल बना के देखो, अगर इस ये चीज को आप देखिएगा ना, ऐसे बनेगा, ये बन रहा है कि नहीं, ये एग्जैक्टली मैच हो रहा है ना, इसलिए ये बोला, ओके, यहाँ पे देखो, चूज द ओटमैन आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव, हमने क्लास भी कराया था ओटमैन आउट पे, ओके, ओटमैन आउट मने, ओट मने क्या, जो कि अलग है, ओके, अलग को निकाल के रखो बोल, यहाँ पे देखो जनवरी मार्च जून दिसंबर, ज्यादातर आदमी लोग क्या किया है, मार्च को टिक मार्क मार के आ गया, क्योंकि वो लोग सोचा जनवरी, इसके बाद कुछ 5 6 महीना के बाद तो जून है, इसके बाद डायरेक्ट क्या है, दिसंबर है बोल के, ये मार्च के बीच में कहाँ से आ गया, उसको निकालो बोल के, ठीक है नहीं, मार्च मार के आ गया, 2 मार्क चला गया, ऐसे नहीं होता है, कुछ लॉजिक होना पड़ेगा, ओके, आप उसको लॉजिक करके देखने से भी नहीं होता है, क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं, हम लोग को पता है एक साल में 12 मंथ्स होता है, तो कोई उसका मीडियन नहीं होता है, एक पर्टिकुलर मीडियन नहीं होता है मंथ्स का, ओके, क्योंकि वो जो आप काउंट करने से भी जुलाई और अगस्त के बीच में होगा, ओके, ये 06 है तो ये 07 है, इसका बीच में होगा, तो कोई मीडियन नहीं होता है, तो हम लोग ऐसा वो लॉजिक नहीं लगा सकते, ओके, तो यहाँ पे सिंपल था, जनवरी का कितना होता है 31, मार्च का 31 डेज होता है, दिसंबर का 31 डेज होता है, जून का कितना होता है 30 डेज, ये अलग, ओके, यहाँ भी देखो लायन चीटा टाइगर इलेफेंट, लायन चीटा टाइगर क्या है, वो कैट फैमिली का है, क्या है, कैट फैमिली का है, इलेफेंट जो नहीं है, लीवर एयर किडनी लंग्स, लीवर किडनी लंग्स जो क्या करते हैं वो लोग, जो एक फिल्ट्रेशन में काम आते हैं, ओके, इंटरनल ऑर्गेन से, ओके, ये लोग जो फिल्ट्रेशन करता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में होता है, ओके, ट्रांसपोर्टेशन रेस्पिरेशन प्रोसेस ना, जो लाइफ प्रोसेस में हेल्प करते हैं लोग, ओके, बट एयर जो क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गेन है वो सुनने का, ओके, तो इसलिए एयर जो अलग रहेगा, फुटबॉल वॉलीबॉल क्रिकेट चेस, फुटबॉल वॉलीबॉल क्रिकेट क्या है, आउटडोर गेम है, चेस जो इंडोर गेम है, ओके, यहाँ पे लास्ट पेज, एरिथमेटिक ट्रिगोनोमेट्री क्वांटम मेशन ज्योमेट्री, एरिथमेटिक ट्रिगोनोमेट्री और ज्योमेट्री क्या है, वो सब जो मैथ्स का सिलेबस है या सब्जेक्ट्स है, क्वांटम मेशन क्या है, क्वांटम मेशन फिजिक्स का पार्ट है, ओके,
Which of the following word cannot be formed by using the letter of the given capital word? ये देखो यहाँ में एप्लीकेशन लिखा हुआ है, एप्लीकेशन से हम लोग को वर्ड बनाना है। ओके बहुत सिंपल था, देखो यहाँ में पोलोनिया दो ओ आ गया, एप्लीकेशन में दो ओ है क्या? नहीं है ना, डायरेक्ट आंसर पकड़ लो। ओके डायरेक्ट आंसर आप बिना क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ के ही आंसर, बिना पढ़ के ही डायरेक्ट आप नंबर ए को डायरेक्ट चूज कर सकते हैं, क्योंकि ओ दो तो है नहीं, है कि नहीं, एक ही ओ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए फ्रूट बास्केट कॉन्टेन मोर एप्पल्स देन लेमन्स, देयर आर मोर लेमन्स इन द बास्केट देन देयर आर ऑरेंज, द बास्केट कॉन्टेन मोर एप्पल्स देन ऑरेंज। ओके एक बास्केट है बोला, ओके एक फ्रूट बास्केट है, उसमें क्या ज्यादा है बोला? एप्पल्स। ओके एप्पल जो ज्यादा है बोला, किससे? लेमन से ज्यादा है बोला। ओके लेमन से ज्यादा है बोला। ओके इसके बाद देयर आर मोर लेमन्स इन द बास्केट देन ऑरेंज। ओके यहाँ में ऑरेंज है, लेकिन ऑरेंज जो क्या पार्ट है? बहुत कम है बोला। ओके ऑरेंज जो क्या है? बहुत कम है बोला, लेमन से भी कम है, और लेमन से ज्यादा क्या था? एप्पल था। ओके थर्ड स्टेटमेंट क्या क्या दिया है? एज बास्केट कॉन्टेन मोर एप्पल देन ऑरेंज, तो ऑटोमेटिकली अगर ए जो एल से बड़ा है और एल जो क्या है बोला? एल जो ओ से बड़ा है, ऑरेंज से ज्यादा है, ओके या बड़ा है, देट मीन्स ऑटोमेटिकली ए जो ओ से बड़ा होगा, है कि नहीं? वो रिलेशन है तो एक बोलो का। इफ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट आर ट्रू देन थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑब्वियसली ट्रू होगा, है कि नहीं? इन ए स्कूल देयर वेर फाइव टीचर्स ए बी सी डी ई, ए बी वेर टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश, सी बी वेर टीचिंग इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, ए डी वी आर टीचिंग मैथमेटिक्स एंड हिंदी, ई बी वी आर टीचिंग हिस्ट्री एंड फ्रेंच, हु एमोंग द फॉलोइंग टीचर्स वी आर टीचिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट। ओके यहाँ में कितना टीचर था? पांच टीचर था। ओके पांच टीचर था, वो लोग सब लोग सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, और यहाँ में क्वेश्चन क्या पूछा है कि सबसे ज्यादा कौन सा टीचर जो सबसे ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाया है बोला। ओके तो यहाँ में सबसे फर्स्ट क्या है? ए बी। ओके ए बी क्या पढ़ा रहा है बोला? ए बी वेयर टीचिंग, एक एक करके लिखेगा। ओके ए बी सी डी ई, ये लोग क्या है? टीचर है। ओके ये लोग टीचर है, कौन ज्यादा पढ़ा रहे देखते हैं। ओके ए बी वेयर टीचिंग इंग्लिश एंड हिंदी, ये इंग्लिश हिंदी पढ़ाया है बोला, ये भी हिंदी इंग्लिश पढ़ाया है ए बी। ओके सी बी वेयर टीचिंग इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, सी बी जो इंग्लिश और ज्योग्राफी। ओके सी बी इंग्लिश और ज्योग्राफी, वो तो इंग्लिश तो पहले से पढ़ा रहा है, यानी इंग्लिश भी पढ़ा रहा है वो, ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा है। ओके इसके बाद सी बी, दैट मीन्स वो ज्योग्राफी भी एक्स्ट्रा आ गया। इसके बाद डी ए, डी और ए वी आर टीचिंग मैथमेटिक्स एंड हिंदी। ओके दैट मीन्स वो मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहा है, वो मैथमेटिक्स एंड हिंदी। ओके समझ में आ रहा है। इसके बाद ई बी, ई और बी क्या पढ़ा रहा है? फिर से हिस्ट्री इन फ्रेंच, हिस्ट्री और फ्रेंच पढ़ा रहे। ओके दैट मीन्स बी भी था ना, या में ई भी था, हाँ ई बी, या में हिस्ट्री और फ्रेंच भी पढ़ा रहे। ओके या में हिस्ट्री और फ्रेंच पढ़ा रहे। हु अमंग द फॉलोइंग टीचर्स वी आर टीचिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट, या में अभी बोलो कौन सबसे ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या में? ओके सबसे ज्यादा हम लोग को बी दिखाई दे रहा है कि नहीं? हिंदी इंग्लिश ज्योग्राफी हिस्ट्री फ्रेंच सब कुछ पढ़ा दिया। ओके वो जो, ओके इसलिए वो जो क्या है आंसर क्या होगा? बी होगा। ओके ऐसे करके खत्म होता है पेपर। रीजनिंग काफी इजी था, वही कि आप लोग को ज्यादा समय नहीं गंवाना है या में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर इजी है, रीजनिंग का बहुत ही इजी है, बट आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज होना पड़ेगा। ओके बेसिक नॉलेज जैसे कि ये वाला था। ओके यहाँ में गलती नहीं करना चाहिए था। ओके इसके बाद फिर यहाँ पे कुछ कुछ है यहाँ में, जैसे कि ये सब लोग में ना इंग्लिश अप्रोप्रिएट बेसिक इंग्लिश जानना है, ये वाला जो एक्स प्लस एक्स माइनस वन, ये वाला भी। ओके गलती किया होगा कोई कोई ने, कोई बात नहीं। पेपर इजी था, लेकिन वही कि आपको टाइम मैनेजमेंट ना, ये पेपर जो आपको डिफिकल्टी लेवल बोल के नहीं है, आपको टाइम कैसे मैनेज करना है वो सिखा रहे हैं। ओके ये एग्जामिनेशन का थ्रू कि आपको टाइम स्पीड होना है। ओके तो होप आपको समझ में आया होगा, अगर कुछ समझ में नहीं आने से
आप काइंडली कमेंट में पूछिए ताकि हमको समझ में आए क्या डाउट है, ताकि हम आपको एक्सप्लेन कर सके। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो में बनने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।